तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ हरी चटनी। इसके लिए धनिया का पत्ता, जिंजर, लेमन एंड आपको दही चाहिए। मिर्ची पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। और सॉल्ट डाल दो एंड दैट्स इट। और इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। आप चाहे तो दही बाद में भी मिला सकते हैं या पहले भी मिला सकते हैं, मतलब दही को मिला के इसको ग्राइंड करें तो भी बहुत अच्छा बन जाता है। बस पानी नहीं डालना होता, क्योंकि पानी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ये लिक्विड काइंड बन जाता है, तो फिर वो चटनी वाली रह नहीं जाती। एंड दैट्स इट, चटनी बहुत यम बनी थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुकिंग स्पेशल वीडियो है, तो मैं बनाने वाली हूँ आलू पराठा। लाइक मेरा आलू पराठा एंड हरी चटनी एंड दही खाने का बहुत मन कर रहा है, तो इसके लिए मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली है पराठा बनाने के लिए। अभी बनाएंगे पराठा और आपको भी दिखाएंगे कैसे बनाया मैंने। एनीवेज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट्स माई कुकिंग वीलॉग। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें चॉप कर ली, प्याज, जिंजर, धनिया का पत्ता और मसाले डालूंगी। आलू बॉईल कर लिया है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये आलू को मैंने मैस करके मिक्सचर बना लिया है, अब आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, लाइक आलू पराठा और रायता एंड चटनी, और मैंने स्वीट्स में थोड़ी सी एक लड्डू भी ऐड करा है जो घर में था, तो मैंने सोचा कि ना थाली में डाल दे तो अच्छा लगेगा। और ये कंप्लीट एक टिपिकल पंजाबी थाली हो गया।